करो, रिहा करो, मुफ्ती तेरे छोटू को, मुफ्ती तेरे छोटू को। बेसिकली जो यहाँ का यूथ है, कश्मीर का यूथ है, जो बाहर के जेलों में बंद है, यहाँ के जेलों में बंद है, हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनको रिहा किया जाए। जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि मीडिया पे किस तरह कदगंदे लगाई जा रही है, मीडिया पर्सन्स को जेल लिया जा रहा है, यहाँ के पॉलिटिशियंस को फेक केसों में फंसाया जा रहा है, यहाँ जो है पॉलिटिकल कैसे वेंडा जो यहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स के साथ किया जा रहा है। यहाँ देखिए ह्यूमन राइट्स वायलेशन कितनी ज़्यादा बढ़ रही है। हम चाहते हैं कि हम जिएंगे पीस प्रॉपर्टी विद, हम चाहते हैं कि हम इज्जत से जिए, हम चाहते हैं कि जहाँ जो हमारा हकूक है, जो हमारे हकूक है, बेसिक हकूक है, उन्हें रेस्टोर किया जाए। हम चाहते हैं कि ये जातियाँ बंद हो, हर एक इंसान को यह बात करने का हक हो। तो यही वजह है कि हम आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इस वजह से कि यहाँ जितने भी यूथ बाहर के जेलों में है, यहाँ के जेलों में, उन्हें रिहा किया जाए। आज आपको सबको पता है कि हमने एक छोटा सा यहाँ पर प्रोटेस्ट रखा था। हमारी सिंपल सी डिमांड थी कि हमारे कायद महबूब जी को रिहा किया जाए, और जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स है, हाउस अरेस्ट है, या बाकी पार्टीज़ को भी, सबको रिलीज़ किया जाए। आज हमने उसी सिलसिले में कल हमने यहाँ छोटा सा एक मशवरा किया, उसमें हमने कुछ वर्कर्स को बुलाया था यहाँ पर कि हम पीसफुली यहाँ पर एक प्रोटेस्ट करेंगे। तो उसी सिलसिले में आज हम कुछ यहाँ पर लोग जमा हुए थे करीबन, तो आपने आपके सामने देखो जहाँ पुलिस ने हमें उसे रोका, हमारे सीनियर लीडर के साथ धक्का मुक्की हुई, और हमारे कुछ लीडर्स बंद किए गए, जिसमें अब्दुल हमीद कोशिन साहब है, अब्दुल भट्ट साहब है, आरिफ साहब है, और परवेज हाजी साहब है, और मुश्ताक अहमद शाह साहब है, बाकी बहुत सारे लीडर्स को जिनको हमें अरेस्ट किया गया। जिनके अगर आपके माध्यम से, यही मैं हिंदुस्तान के सरकार को बोलना चाहता हूँ, यूटी सरकार के, अगर यहाँ पर बोलते यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, अगर यही डेमोक्रेटिक सिस्टम है कि यहाँ पर हमें पीसफुली भी प्रोटेस्ट नहीं किया गया, तो किस बात की यहाँ पर सियासत बोल रहे हैं, किस बात की यहाँ पर जमहूरियत है। जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनको सबको रिलीज किया जाए, हमारा स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाएगा, हम उसके लिए लड़ेंगे, हमारी डिमांड रहेगी। अगर आने वाले टाइम में इन चीज़ों के साथ वापस हमें नहीं दिया, इन लीडर्स को रिलीज नहीं किया, हम सड़कों पर आएंगे, और आंधी तूफान की तरफ बहुत मुश्किल होगा फिर यूटी सरकार और हिंदुस्तान गवर्नमेंट को।